1 जनवरी 2024 को जहां हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का एक जबरदस्त भूकंप आता। इसके साथ ही उसी दिन लगभग 155 से ज्यादा और छोटे भूकंप आते हैं, मगर उसके बाद भी हैरान कर देने वाली बात यह बहुत कम लोग मारे जाते हैं। अगर यही भूकंप किसी और कंट्री में आते तो शायद मरने वालों की संख्या हजारों में होती या इससे ज्यादा ही। हाल ही में आए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक का नाम दिया गया, नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया। पेनिनसुला आप इस मैप में देख सकते हैं, पेनिनसुला का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जिसके तीनों तरफ पानी। इस अर्थक्वेक का सेंटर भी यही मौजूद, इसके वेबसाइट में सी ऑफ जापान, ये जापान की राजधानी टोक्यो से 500 किलोमीटर, लेकिन फिर भी इस अर्थक्वेक को टोक्यो तक फील किया गया। मगर दो जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं कि आखिर जापान में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आने के बाद भी जापान खुद को सेफ कैसे रख। फर्स्ट क्वेश्चन, जापान में इतने अर्थक्वेक क्यों आते, इसके लिए हम इस मैप को देखते हैं। जापान एक ऐसे यूनिक लोकेशन और ऐसी जगह पे बसा है जहां पर इसके चारों ओर से टेक्टोनिक प्लेट आके मिलती है, जिसे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्जन। धरती के अंदर जो हीट मैग्मा या लावा गर्म होकर के ऊपर आती है और जैसे ही वो ठंडे हो जाते हैं, नई अर्थ लेयर या टेक्टोनिक प्लेट्स बनती है। टोटल 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट है जो धीरे धीरे मूव करती रहती है, और जब ये एक दूसरे से टकराती है तो अर्थक्वेक आती है। इंडिया में जो भी अर्थक्वेक आते हैं उनका सेंटर हिमालय के आसपास रहता है, नेपाल के नजदीक, इसलिए जब नेपाल में अर्थक्वेक आते हैं तो ज्यादा नुकसान। और जापान देश की एक खास बात यह है कि यह चार मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के पास पड़ता है, ऑक्टोस्कोप प्लेट और द पैसिफिक प्लेट, द यूरेशियन प्लेट्स, द फिलिपिन सी प्लेट। यहाँ पर द पैसिफिक प्लेट जो है इन सब में सबसे खास बात, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट में ज्यादा एक्टिविटी होती है, साथ ही यहाँ एक्टिव वोल्केनो की संख्या भी बहुत ज्यादा, 90% जो भूकंप है लगभग यहीं से, इसलिए हम द पैसिफिक प्लेट को पैसिफिक द रिंग ऑफ फायर भी। उसके बाद जो है जापान के लिए एक सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में होता क्या है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली और यह धीरे धीरे अंदर जाती रहे, जिसके उसके किनारे पर एक गड्ढा सा बन जिसे ट्रेंच कहते हैं। आपने सुना होगा कि मारियाना ट्रेंच जो है दुनिया में वहाँ पे सबसे ज्यादा गहरा, और यह इसी से बना। आपने शायद यह भी नहीं पढ़ा होगा जापान के साइड में भी एक ट्रेंच जिसे जापान ट्रेंच के नाम से जाना जाता, जिसकी गहराई 8,046। इन सब की वजह से जापान में हर साल लगभग 1500 से ज्यादा भूकंप आते। अब क्वेश्चन यह है कि जापान इस अर्थक्वेक से खुद को सेफ कैसे रखे। जापान ने इसके लिए स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स लागू किए जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 3 पे है टाइसिन अस्टेंट, इसका यूज ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए बिल्डिंग स्टेबल रहे, जिसमें स्टील रोड और कंक्रीट का यूज किया। नंबर 2 पे है साइसिन, इसमें बिल्डिंग के बेस में रबर पैड्स यूज किया जाए जिससे कि भूकंप के झटके रबर रिड्यूस कर, जिससे कि बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं हो। नंबर 1 एंड सबसे मोस्ट मेंसिन स्टैंडर्ड, इन सब में भी एक सबसे एडवांस स्टैंडर्ड है मेंसिन स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से आइसोलेटेड कर दिया जाता है, इसमें स्टील रबर की एक ऐसी लेयर बनाई जाती है जिसमें अगर भूकंप आए तो ग्राउंड तो हिले मगर बिल्डिंग स्टेबल रहे।